गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज योर EBS क्लास एंड टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्लॉथ्स वी वियर. क्लॉथ्स वी वियर, क्लॉथ्स मतलब कपड़े, वियर मतलब पहनना, वी मतलब हम, जो हम कपड़े पहनते हैं उसके बारे में ये चैप्टर है. इन दिस यू विल रीड अबाउट फाइबर्स, फाइबर्स मीन्स रेशे के बारे में पढ़ोगे. नेक्स्ट पैटर्न्स, पैटर्न्स ऑफ क्लॉथ्स मतलब क्लॉथ्स के डिजाइन के बारे में पढ़ोगे. और डाइज, डाइज मतलब क्लॉथ्स में रंग, रंगने के बारे में पढ़ोगे, क्लॉथ्स को कैसे रंग दिया जाता है. ठीक है बेटा, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. बेटा ऑल ऑफ वी वेयर क्लॉथ्स, हम सब क्लॉथ्स पहनते हैं, पहनते हैं ना बेटा. वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स इन डिफरेंट ओकेजन्स. देखियो जैसे हम घर पे रहते हैं तो हम अलग क्लॉथ पहनते हैं, बाहर जाते हैं तो नए कपड़े पहनते हैं, शादी में जाते हैं तो उसके कपड़े अलग हैं. तो डू यू नो व्हाई डू वी वेयर द क्लॉथ्स, तुम्हें पता है क्यों हम क्लॉथ्स पहनते हैं. वी वेयर द क्लॉथ्स टू लुक ब्यूटिफुल, पहला तो सुंदर लगने के लिए पहनते हैं. नेक्स्ट क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट एंड कोल्ड, क्लॉथ्स हमें गर्मी और सर्दी से बचाते हैं, क्योंकि अलग अलग सीजन में हम अलग अलग टाइप के क्लॉथ पहनते हैं. जैसे गर्मी में हम कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है बेटा, एंड विंटर सीजन में हम वूलन क्लॉथ्स पहनते हैं, ताकि क्यों, क्योंकि वो हमें सर्दी से बचाते हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फाइबर, मतलब लोग सारी जगह वर्ल्ड में, वर्ल्ड की सारी जगह अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं और अलग अलग फाइबर्स के बने. फाइबर्स होता है बेटा रेशा, जैसे कॉटन के, ठीक है, सिल्क के, तो क्लॉथ्स पहनते हैं लोग. वी शुड टेक केयर ऑफ आवर क्लॉथ्स एंड कीप देम क्लीन, हमें अपने क्लॉथ्स की देखभाल करनी चाहिए और उन्हें साफ रखना चाहिए, ठीक है बेटा, ताकि वो ज्यादा दिन तक नए रहे और ज्यादा दिन चल सके. नेक्स्ट, these are true false, these are given to you on the basis of your previous knowledge, मतलब पिछली क्लास में तुमने पढ़ा होगा क्लॉथ्स के बारे में, तो उसके बेसिस पे ये तुम्हें ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं. अवर फर्स्ट ट्रू फॉल्स, अवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज क्लॉथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डर्ट रेन हीट कोल्ड एंड इंसेक्ट बाइट. क्लॉथ्स हमें प्रोटेक्ट मीन्स बचाता है डर्ट से, गंदगी से, बारिश से, रेन मीन्स बारिश, हीट मतलब गर्मी, कोल्ड मतलब सर्दी, और इंसेक्ट बाइट यानी कीड़े मकोड़ों से के काटने से बचाता है, बचाते हैं ना क्लॉथ्स, ट्रू. नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट इज वी शुड वियर वुलन स्वेटर ग्लव्स सॉक्स एंड कैप्स इन समर, हमें समर में वुलन से बने स्वेटर ग्लव्स सॉक्स और कैप्स पहनने चाहिए. गर्मियों में पहनने चाहिए बेटा, नहीं, इन विंटर वी शुड वेयर दीज टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स इन विंटर, दैट्स वाई इट इज रॉन्ग. सेकेंड वन इज फॉल्स. थर्ड, वी वेयर डिफरेंट क्लॉथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन, हमें अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के कपड़े पहनने चाहिए. जैसे गर्मियों में अलग और सर्दियों में वुलन क्लॉथ्स पहनते हैं, गर्मियों में कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, तो अलग अलग सीजन में अलग अलग क्लॉथ्स पहनने चाहिए, पहनने चाहिए ना बेटा, ट्रू. We should wear clothes, clean clothes daily. हमें daily clean clothes, साफ कपड़े पहनने चाहिए, साफ पहनने चाहिए ना बेटा, इसलिए ये भी true है. Next, naphthalene ball should never be placed in the clothes. Naphthalene balls होती है बेटा जो कपूर की गोलियां, जब हम कपड़े रखते हैं, मम्मी वगैरह कपड़े रखती हैं सर्दियों के, देखे होंगे उसमें white सी गोलियां डालती हैं, जिसे हिंदी में कपूर की गोलियां कहते हैं, उनको बोलते हैं नेफ्थलीन बॉल्स. वो कपड़ों में रखी जाती है, इसमें दिया हुआ है नहीं रखी जाती, पर वो कपड़ों में रखी जाती है जब हम कपड़े स्टोर करते हैं, ताकि उनको कीड़ों से बचाया जा सके. अगर हम गोली वगैरह या नीम की पत्तियां नहीं रखते तो वो छोटे छोटे कीड़े होते हैं, वो उनको काट देते हैं कपड़ों को, ठीक है बेटा, इसलिए नेफ्थलीन बॉल्स हमें क्लॉथ्स में रखनी चाहिए, और इसमें दिया है नहीं रखनी चाहिए, इसलिए ये फॉल्स है. इज इट क्लियर बेटा. Now we will start our lesson. William studies in grade 3 and his sister Maria studies in grade 7. During their summer vacations, they visited their uncle's cloth mill. मतलब बेटा William, ये देखो ये William है, ये grade 3 मतलब third class में पढ़ता है, ये उसकी बहन है Maria जो seventh class में पढ़ती है. During their summer vacation मतलब गर्मियों की छुट्टियों में, summer vacation होता है गर्मियों की छुट्टियों में, वो अपने अंकल के क्लॉथ मिल में गए थे, क्लॉथ मिल यानी क्लॉथ की फैक्ट्री में गए थे, ठीक है बेटा.
इन द क्लॉथ मिल विलियम एंड मारिया सॉ हाउ क्लॉथ इज मेड. क्लॉथ मिल में उन्होंने क्या देखा, विलियम और मारिया ने देखा कि क्लॉथ्स कैसे बनते हैं, क्योंकि क्लॉथ मिल या क्लॉथ की फैक्ट्री में क्लॉथ्स कपड़े बनते हैं. ठीक है बेटा. देयर अंकल गेव देम सम यूजफुल इन्फॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स एंड देयर सोर्सेस. उसके अंकल ने उन्हें कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन, जरूरी जानकारियां दी अलग अलग तरह के क्लॉथ्स के, फाइबर्स के बारे में, रेशे के बारे में, और देयर सोर्सेस, और वो कहाँ से मिलते हैं इसके बारे में. सोर्सेस मतलब जहां से वो रेशे मिलते हैं. दे नोटेड डाउन द इन्फॉर्मेशन एंड क्लिक सम फोटोग्राफ्स. उन्होंने जो जरूरी इन्फॉर्मेशन थी कुछ तो नोट डाउन कर ली और कुछ का फोटो खींच लिया. नाउ लेट अस चेक द इन्फॉर्मेशन. देखो बेटा अब ये इन्फॉर्मेशन थी, क्लॉथ्स आर मेड फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स. क्लॉथ दो टाइप्स के फाइबर से बनता है, नेचुरल और आर्टिफिशियल. नेचुरल जो हमें नेचुरल चीजों से मिलता है, जैसे प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, उनसे जो फाइबर मिलता है यानी रेशा मिलता है उसे नेचुरल फाइबर कहते हैं, और जो मैन मेड होता है जो केमिकल से फैक्ट्रीज में बनता है उसे आर्टिफिशियल फाइबर कहते हैं. अब ये देखो, कॉटन, वूल एंड सिल्क आर एग्जाम्पल्स ऑफ नेचुरल फाइबर. कॉटन जो हमें कॉटन प्लांट से मिलता है, वूल जो हमें शिप से मिलती है, सिल्क सिल्क वॉर्म से मिलता है. तो ये प्लांट से और ये एनिमल से मिलते हैं, इसीलिए ये क्या है, एग्जांपल नेचुरल फाइबर के. और नायलॉन एंड टेरिलिन आर एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर. अब ये देखो, नायलॉन और टेरिलिन है, ये एग्जाम्पल किसके हैं, सिंथेटिक और आर्टिफिशियल फाइबर, यानी जो फैक्ट्रीज में बनता है केमिकल से, उन फाइबर्स के एग्जाम्पल हैं ये. ठीक है बेटा. नाउ देखो बेटा, दिस इज कॉटन. ये कॉटन है, ये हमें किससे मिलता है, प्लांट से. अब ये देखो, कॉटन को जब हम इस तरह करते हैं तो इसमें ये देखो बाल से निकलते हैं ना अलग अलग, इसको बोलते हैं फाइबर. इसको क्या बोलते हैं, ये देखो ये फाइबर. और जब हम ये फाइबर को इकट्ठा करके इसको ट्विस्ट करते हैं, इसको जोड़ देते हैं, तो ये क्या बनता है फिर हमारा, इससे इस तरह करके थ्रेड बनता है, और फिर उस थ्रेड से क्लॉथ्स बनते हैं. ठीक है बेटा. This we get from cotton plants. This cotton we get from cotton plants. Now next is बेटा, cotton fibers are obtained from cotton plants. मैंने बताया है cotton, अभी दिखाया था ना cotton fiber. ये cotton का fiber है, ये देखो ये fiber है सारा. तो ये cotton हमें कहाँ से मिलता है, cotton plants. ये देखो cotton plants से मिलता है. Wool is obtained from hair of sheep and rabbit. Wool हमें कहाँ से मिलता है, sheep और रैबिट के हेयर से, और कैमल से भी मिलता है. हेयर मींस बालों से हमें क्या मिलता है, वुल. वुल मतलब ऊन. ऊन के, ऊनी कपड़े पहनते हो ना सर्दियों में, क्योंकि वुल हमें गर्म रखती है. क्या रखती है, सर्दियों में गर्म रखती है, सर्दी से बचाती है. नेक्स्ट, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म. सिल्क हमें कहाँ से मिलता है, कोकून से, सिल्क वॉर्म के. बेटा सिल्क वॉर्म जो अपनी चारों तरफ जाला बना लेता है ना व्हाइट कलर का, उसे कहते हैं सिल्क वॉर्म. उसे हमें मिलता है सिल्क. ठीक है बेटा. यार्न इज प्रोड्यूस्ड बाय स्पिनिंग रॉ कॉटन, वूल और सिल्क फाइबर ऑन स्पिनिंग व्हील. स्पिनिंग व्हील होता है बेटा चरखा, देखा होगा. ठीक है. तो उस चरखे पे क्या करते हैं वो, उसे जैसे ये मैंने कहा था, ये कॉटन लगाकर और फिर उसके रेशे निकाल निकाल के, देखो इस तरह से ट्विस्ट कर करके उस पे क्या बनाते हैं, यार्न. यार्न मतलब धागा बनता है. ठीक है, उसको स्पिन गोल गोल घुमा के उससे धागा बनाया जाता है. पहले तुम्हारी दादी वगैरह बनाती होंगी, उनसे पूछना, वो बताएंगी तुम्हें चरखे के बारे में. ठीक है बेटा. नेक्स्ट, ए यार्न कंसिस्ट ऑफ सेवरल लॉन्ग स्ट्रैंड्स ऑफ फाइबर्स एंड विंड टूगेदर. दीज फाइबर्स कैन बी ऑफ कॉटन, वूल, सिल्क और नायलॉन. अब यार्न क्या है बेटा, यार्न धागा है, जो कि किससे बनता है, सेवरल लॉन्ग स्ट्रैंड्स मतलब पीसेस ऑफ थ्रेड, बहुत लंबे लंबे पीसेस थ्रेड के उसे, और जिसमें क्या होता है, फाइबर एंड विंट मतलब फाइबर को जोड़ा जाता है. देखो इसको गूंधा जाता है. ठीक है, जुड़ा हो, जोड़ जोड़ के फाइबर धागा बनता है. दीज फाइबर्स कैन बी ऑफ कॉटन. ये फाइबर, ये देखो ये फाइबर बन गया, ये यार्न बन गया. ये कॉटन का भी हो सकता है, वूल का भी हो सकता है, सिल्क का भी हो सकता है, नायलन का भी. इसी तरह धागा बनता है. ठीक है बेटा. These yarns are woven together to form clothes. अब ये यार्न क्या है, बुने जाते हैं, बुनाई की जाती है इनसे, और बुनाई करके क्या बनता है, क्लॉथ बनते हैं, कपड़े बनते हैं. By interlacing the strands on machine known as loom. उस इंटरलेसिंग होता है बांधना, उन धागों को
यार्न को एक साथ बांधना, गूंदने में एक साथ डालना पड़ता है ना, तो उन स्ट्रैंड्स को, उन धागों के टुकड़ों को एक साथ बांधकर कपड़ा बनता है, जो किस मशीन से बनता है, लूम। किस मशीन से बनता है? लूम। तो लूम से कपड़ा बनता है, ठीक है, बुनना बुनता है, और धागों को बुनकर कपड़ा बनता है। कौन सी मशीन से? ये देखो, ये है लूम, ठीक है, इनसे कपड़ा बनता है। नाउ वन फैक्ट इज देयर बेटा, लिनन प्रोड्यूस फ्रॉम द फ्लैक्स प्लांट। लिनन जो कि हमें फ्लैक्स प्लांट से मिलती है, इज द ओल्डेस्ट नेचुरल फाइबर यूज टू मेक, और ये सबसे ओल्डेस्ट, सबसे पुराना नेचुरल फाइबर है जिससे क्लॉथ बनते हैं, ठीक है बेटा। नाउ यू डू ट्रू फॉल्स ऑफ पेज 28 एंड रीड पेज 29 एंड 30, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।